23 में यहां विधानसभा का चुनाव है, मुझे बताओ 23 में किस पार्टी की सरकार बनेगी? जोर से बोलो, किस पार्टी की सरकार बनेगी? और मुझे बताओ 24 में राहुल बाबा और मोदी जी कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अरे जोर से बोलो, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मेरे साथ बोलो भारत माता की। मित्रों, ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया। ये सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली, घपले घोटाले भ्रष्टाचार ढेर सारे घोटाले बाहर, 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार एक कांग्रेस की सरकार ने किया था। 9 साल हो गए मोदी जी को, हमारे सामने विपक्ष भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। मोदी जी ने पारदर्शी सरकार, जब लोग शासन करते थे आए दिन देश में आतंकवादी घटनाएं होती, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और हमारे जवानों के सर काट कर नहीं जाते, और मनमोहन सरकार उफ नहीं करते। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को आदत लग गई थी, उन्होंने फिर से कश्मीर में हिमाकत की, पूरी और पुलवामा और उरी में हमला किया, मगर वो भूल गए कि अब मनमोहन सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने। माताओं भाइयों बहनों, मुझे सभी लोग बताओ कि कश्मीर है जो हमारा है या नहीं है? अरे जोर से अंत तक बोलो, है या नहीं है? 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस वालों ने 70 साल से अपनी गोदी में धारा 370 जैसे बच्चा बिठाया हो, इसको सहला सहला कर संभाला। मोदी जी को छत्तीसगढ़ की जनता ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त, और जब धारा 370 हटी, एक कांग्रेस पार्टी वाले राहुल बाबा के नेतृत्व में सारे के सारे कहते थे मत हटाओ मत हटाओ, मैं ही बिल लेकर गया था, मैंने कहा क्यों न हटाए भाई, तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बहता है। राहुल बाबा, धारा 370 हट गई, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। मोदी जी ने 9 साल के अंदर देश को सुरक्षित करने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल, मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल, और मोदी जी के 9 साल भारत उत्कर्ष के 9 साल। इस 9 साल में गरीब कल्याण के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। हर गरीब के घर में गैस
का सिलेंडर, हर गरीब के घर में नल से जल, हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में बिजली, हर गरीब को घर, हर गरीब को 5 लाख तक की सभी सुविधाएं और स्वास्थ्य की ऑपरेशन तक की सुविधाएं, और हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ दूर वाले, आप सभी का कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे ऐसे नहीं हाथ ऊपर करकर बताओ लगा है ना। किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ की आबादी को कोरोना का दोनों टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी मित्रों, ये राम का नैनीताल है। मुझे बताओ, प्रभु श्री राम का मंदिर कश्मीर में, अरे अयोध्या में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल से बाबर ने जब से तोड़ा, कांग्रेस राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह जाकर राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। और युवाओं, टिकट तैयार रखना, जनवरी में राम मंदिर का अंदर राम लल्ला के दर्शन। 70 साल तक अपनी वोट बैंक संभालने के लिए प्रभु श्री राम का अन्याय करने का काम एक कांग्रेस सरकार ने किया, और नरेंद्र मोदी जी ने प्रभु श्री राम को सम्मान के साथ उसी स्थान पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहां भव्य मंदिर स्थापित कर सम्मान के साथ दिखाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी के नेतृत्व में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। अभी जी सेवन में मोदी जी गए थे, आज भी अमेरिका में उनके कार्यक्रम चल ही रहे हैं। जी सेवन में ढेर सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष कोई अपॉइंटमेंट मांगता है, कोई ऑटोग्राफ लेता है, और अफ्रीका में तो किसी किसी ने मोदी जी के पैर भी छू लिए। और जहां जहां गए मोदी 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 के नारे लगते हैं। ये मोदी मोदी के जो नारे लगते हैं ना, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं लगते हैं। ये मोदी मोदी के नारे छत्तीसगढ़ वालों, आपके सम्मान में और देश की 130 करोड़ की जनता के सम्मान में लगते। मोदी जी ने देश का सम्मान दुनिया के सामने बढ़ाया। मित्रों, मैं छत्तीसगढ़ की भी बात करना चाहता हूं। कांग्रेस का शासन था, वामपंथी उग्रवाद चरम सीमा पर था। आज मोदी जी के शासन में हमने वामपंथी उग्रवाद पर एक बस्तर का थोड़ा क्षेत्र छोड़कर कुल मिलाकर कंट्रोल लेने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी ने आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाया, पिछड़ा वर्ग को अपना आयोग देकर संवैधानिक मान्यता दी, और दूसरी ओर एक सरकार बची है कांग्रेस की यहां छत्तीसगढ़ की। क्या कर रहे हैं बघेल साहब? घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। और एक बघेल सरकार, घोटाले की बात बाद में करता हूं भाई, ये बघेल सरकार
वादा खिलाफी करने वाली सरकार। उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की थी, शराब की होम डिलीवरी चालू कर दी, युवाओं आपको 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, मिला है भैया किसी को? अरे मिला है क्या? बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया दिया देना का मिला है? जोर से बोलो मिला है? स्वसहायता जूथों का कर्ज माफ करना था, नहीं किया। रेडी टू ईट बनाने वाली 22,000 बहनों की नौकरी चली गई, बुजुर्ग माताओं को वृद्धा पेंशन अब नहीं पहुंच रहा है समय पर, और प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा भी कर दिया। इसके साथ साथ हमारे चावल वाले बाबा रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तेंदूपत्ता का रेट और पैसा दोनों मिल जाता था, आज लगभग तेंदूपत्ता का 500 करोड़ रुपया गरीब आदिवासियों का पता है। बघेल साहब आपको शर्म आनी चाहिए, आपने इतनी वादा खिलाफी की है कि छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव का ही राह देख रही है, चुनाव आते ही आपकी कुर्सी पलटना तय है, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार।